हेलो स्टूडेंट्स, पिछले दो लेक्चर्स में हमने सिस्टमैटिक नोमेनक्लेचर सिस्टम डिस्कस किया था। आज हम नेक्स्ट सिस्टम करेंगे, रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर सिस्टम। इस नोमेनक्लेचर सिस्टम में हम एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड की तरह ट्रीट करते हैं। नेमिंग भी उस तरह से ही करते हैं, लेकिन हम ये मानते हैं कि कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड में एक या एक से ज़्यादा कार्बन हेट्रो एटम से रिप्लेस हो गए हैं। तो नेमिंग के लिए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के इस सिस्टम में रूल्स वही हैं जो कि कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए हैं। हम पहले कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड का नाम देंगे और फिर जो हेट्रो एटम उसमें प्रेजेंट है उसकी पोजीशन और उसका प्रीफिक्स दे देंगे। पहले हम लेते हैं मोनोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक साइक्लिक कंपाउंड्स का नेमिंग सिस्टम। यहाँ भी नाम के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट प्रीफिक्स, जो पहले लिखा जाता है, और बाद वाला पार्ट स्टेम। प्रीफिक्स जैसे सिस्टमैटिक नोमेनक्लेचर सिस्टम में था, हेट्रो एटम का नाम बताता है, और इसके लिए भी हम टेबल वही यूज़ करेंगे जो सिस्टमैटिक नोमेनक्लेचर सिस्टम में यूज़ की थी। स्टेम की जहाँ तक बात है, ये इस सिस्टम में डिफरेंट होता है। स्टेम में हम ये मानते हुए कि हेट्रो एटम प्रेजेंट नहीं है, तो जो कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड हमको मिलेगा उसका नाम देते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पर जैसे साइक्लोप्रोपीन, हम ये पहला वाला कंपाउंड लेते हैं जिसमें 3-membered रिंग है और एक ऑक्सीजन है। तो पहले हम प्रीफिक्स के तौर पर हेट्रो एटम का नाम, ऑक्सीजन है तो ऑक्सा। उसके बाद स्टेम के लिए हम ये मान रहे हैं कि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती तो ये कंपाउंड क्या होता, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड साइक्लोप्रोपीन। तो इसलिए इसका नाम होगा पहले प्रीफिक्स ऑक्सा, फिर स्टेम साइक्लोप्रोपीन। तो ये कंपाउंड है ऑक्सा साइक्लोप्रोपीन। इसी तरह से सेकंड कंपाउंड जो है 5-membered रिंग है और इसमें सल्फर है। तो पहले प्रीफिक्स सल्फर है तो पिछली टेबल के हिसाब से थाया, और स्टेम के लिए अगर सल्फर प्रेजेंट नहीं होता तो ये कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड होता साइक्लोपेंटेन। तो इसका नाम होगा थाया साइक्लोपेंटेन। नेक्स्ट कंपाउंड लेते हैं जिसमें 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है। नाइट्रोजन की पोजीशन बताने के लिए उसकी नंबरिंग करेंगे, हेट्रो एटम से ही स्टार्ट करते हैं हम हमेशा। तो नाइट्रोजन प्रेजेंट है 1 और 3 पोजीशन पर, तो प्रीफिक्स हो जाएगा 1,3 डाइएज़ा। अब अगर ये दोनों नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं होते तो ये कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड था साइक्लोपेंटा 2,4 डाइईन। तो इस हेट्रो कंपाउंड का नाम हो जाएगा 1,3 डाइएज़ा साइक्लोपेंटा 2,4 डाइईन। क्लियर? तो नाम के लिए दो पार्ट, प्रीफिक्स और स्टेम। प्रीफिक्स एज सच जैसा हमने सिस्टमैटिक नोमेनक्लेचर सिस्टम में किया था, और स्टेम कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोसाइक्लिक सिस्टम का नाम। कुछ पॉइंट्स, कुछ बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है। जैसे पहली बात ये कि कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड बेंजीन का नाम हम तभी यूज़ करेंगे अगर तीनों के तीनों डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड होते हैं, अगर तीनों प्रेजेंट हैं तो ही उसको बेंजीन का नाम दिया जाएगा। अदरवाइज अगर एक डबल बॉन्ड है तो साइक्लोहेक्सीन, 2 हैं तो साइक्लोहेक्साडाइईन, इस तरह से नेमिंग की जाएगी। तो जैसे हम पहला वाला एग्जांपल ले रहे हैं, तो पहला एग्जांपल में हमने इसको नाम दिया है सिला बेंजीन। सिली, यहाँ पर क्योंकि सिलिकॉन प्रेजेंट है तो सिला प्रीफिक्स, और तीनों डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं तो सिला बेंजीन। लेकिन इस दूसरे कंपाउंड में 2 सल्फर प्रेजेंट हैं तो डाइथाया पोजीशन 1,4, तो 1,4 डाइथाया तो हुआ प्रीफिक्स। अब क्योंकि इसमें 2 ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं तो इसको हम बेंजीन के डेरिवेटिव के रूप में ना लेकर हम इसका नाम देंगे साइक्लोहेक्सा
2,5-diene. तो इस हेटरो कंपाउंड का नाम हो जाएगा 1,4-dithiacyclohexa-2,5-diene. एक और पॉइंट कि हम नंबरिंग और प्रेफरेंस जो है हेटरो एटम की बिल्कुल वैसे ही देंगे जैसे हमने सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर सिस्टम में दी थी. फर्स्ट टेबल जो प्रीफिक्स की थी उसी के हिसाब से नाम और उसी के हिसाब से उसी टेबल के हिसाब से प्रेफरेंस. जो नाम पहले आया है उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस, जो बाद में आया है उसकी सेकंड प्रेफरेंस जो है वो दी जाएगी. और नंबरिंग के लिए प्रेफरेंस सबसे पहले हेटरो एटम को दी जाती है, फिर मल्टीपल बॉन्ड को और लास्ट में सब्स्टिट्यूएंट्स को. सब्स्टिट्यूएंट्स में भी अगर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स हैं तो उनकी प्रेफरेंस अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में डिसाइड की जाती है. अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आएगा जिसका नाम उसको पहले लिखा जाएगा. एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे पहला जिसमें एक नाइट्रोजन, एक सिलिकॉन और एक सल्फर प्रेजेंट है, तो प्रेफरेंस नंबरिंग के लिए, क्योंकि सल्फर टेबल में ऊपर आता है नाइट्रोजन से, तो नंबरिंग हम सल्फर से स्टार्ट करेंगे. तो सल्फर के लिए नंबर वन, देन हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं क्योंकि इससे हेटरो एटम्स को लोएस्ट सेट ऑफ नंबर्स मिलेंगे. तो सिलिकॉन को 2 और नाइट्रोजन का नंबर 4 पर आता है. अब जब हम इसका नाम लिखेंगे तो सबसे पहले सल्फर का, क्योंकि प्रेफरेंस में वो हायर है, तो 1-thia. उसके बाद नाम लिखा जाएगा नाइट्रोजन का, 4-aza, क्योंकि प्रेफरेंस में वो सिलिकॉन से ऊपर है, 2-sila. अब ये तीनों हेटरो एटम अगर नहीं होते तो ये कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड था साइक्लोहेक्सेन, तो इसका नाम हो जाएगा 1-thia-4-aza-2-sila-cyclohexane. इसी तरह से दूसरा कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन और सल्फर प्रेजेंट हैं, तो प्रेफरेंस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो प्रेफरेंस हम ऑक्सीजन को देंगे. तो 1-oxa-3-aza. ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की एब्सेंस में ये कंपाउंड था साइक्लोपेंटा-2,4-diene. तो 1-oxa-3-aza-cyclopenta-2,4-diene ये हो जाएगा इसका नाम. ये तो था मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए नेमिंग. अब हम आते हैं अगर हेटरोसाइकल फ्यूज्ड है तो उसकी नेमिंग हम कैसे करेंगे. फ्यूज्ड हेटरोसाइकल्स के लिए जो रूल है वो ये कि सबसे पहले पोजीशन और नाम हेटरो एटम का और उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोसाइक्लिक रिंग जो है उसका नाम लिखा जाएगा. जैसे इस कंपाउंड में अगर ये हेटरो एटम्स दोनों नाइट्रोजन नहीं होते तो ये सिस्टम था फिनेंथ्रीन. ये कार्बोसाइक्लिक रिंग है फिनेंथ्रीन. तो हम बस इसमें पहले हेटरो एटम्स के नाम और पोजीशन लिख देंगे. दो नाइट्रोजन हैं डाईएज़ा. जो नंबरिंग है वो आप देखें कि एग्जैक्टली वही है जो फिनेंथ्रीन में होती है. हमने नंबरिंग चेंज नहीं की है. तो नाइट्रोजन की पोजीशन जो आ रही है वो आ रही है 3-9-. 3-9- डाईएज़ा फिनेंथ्रीन. यहाँ ये बात आपने नोट की होगी कि कार्बोसाइक्लिक रिंग की ओरिजिनल नंबरिंग जो है वो रिटेन की जाती है इस सिस्टम में. यहाँ हमने ऐसा नहीं किया है कि नाइट्रोजन से नंबरिंग स्टार्ट की हो. हमने नंबरिंग का सिस्टम वही रखा है जो कार्बोसाइक्लिक रिंग फिनेंथ्रीन में थी. हाँ, ये कोशिश ज़रूर होती है कि अगर चॉइस है तो लोएस्ट पॉसिबल नंबर दिया जाता है हेटरो एटम को, अगर चॉइस है. जैसे यहाँ पर हमने राइट साइड वाली रिंग से नंबरिंग स्टार्ट की है. हम लेफ्ट वाली रिंग से भी कर सकते थे लेकिन लेफ्ट वाली रिंग से करने से नाइट्रोजन पर नंबर जो है वो ज़्यादा आता. तो ओरिजिनल नंबरिंग कार्बोसाइक्लिक रिंग की मेंटेन रखते हुए हम कोशिश करते हैं कि हेटरो एटम को लोएस्ट पॉसिबल नंबर असाइन किया जाए. उसके बाद जो जंक्शन है रिंग्स का, वहाँ पर जो हेटरो एटम प्रेजेंट है उसको हम क्या पोजीशन देंगे.
उसके लिए हम नंबर चेंज नहीं करते हैं, नंबर वही रहता है जो उसके पास वाले कार्बन एटम का होता है, लेकिन उसके बाद हम सफिक्स ए बी सी लगा देते हैं। जैसे हम इस एग्जांपल में देखें, यहाँ पर नाइट्रोजन जंक्शन पर है, तो बाकी अगर ये हेटरो एटम्स नहीं होते तो ये पेंटालीन था, वन थाया, क्योंकि सल्फर की प्रेफरेंस हायर है नाइट्रोजन से, वन थाया, और दूसरे नाइट्रोजन को नंबर दिया है हमने सिक्स। ये जो जंक्शन पर नाइट्रोजन है, इससे पहले कार्बन का नंबर है थ्री, तो इसलिए इस नाइट्रोजन का नंबर आ जाएगा थ्री ए, सेम नंबर विथ सफिक्स ए। तो वन थाया, थ्री ए, सिक्स डाई एजा पेंटालीन। तो रिंग जंक्शन पर प्रेजेंट हेटरो एटम के लिए अलग से नंबर नहीं होता है, उससे प्रीवियस जो कार्बन एटम का नंबर है वही और विद सफिक्स ए और बी ये लगा दिया जाता है। एक और बात कि अगर एडिशनल हाइड्रोजन है, जैसे हम नीचे वाले एग्जांपल में करते हैं, तो हम रिंग को, रिंग का नाम उसकी हाइड्रोजनेटेड स्टेट का ही नाम देते हैं। जैसे यहाँ पर जो ये कंपाउंड है, इसको हम इंडेन के डेरिवेटिव के रूप में ले रहे हैं। इंडेन वो कार्बोसाइक्लिक रिंग है जिसमें एक तो बेंजीन रिंग है विद थ्री डबल बॉन्ड, और दूसरा जो है वो साइक्लोपेंटेन है, हाइड्रोजनेटेड स्टेट में है ये, तो हम इंडेन का ही नाम रखेंगे कार्बोसाइक्लिक रिंग का, इंडेन, जिसमें जो फाइव मेंबर्ड रिंग है वो हाइड्रोजनेटेड है, और उसके डेरिवेटिव के रूप में तो सबसे पहले हम जो नेमिंग करेंगे वो हेटरो एटम की उसी हिसाब से जैसे हमने सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर में किया था। फर्स्ट जो है प्रेफरेंस वो हम दे रहे हैं ऑक्सीजन को, क्योंकि ऑक्सीजन सल्फर से ऊपर है, तो टू ऑक्सा, थ्री थाया, वन फाइव डाई एजा इंडेन। नंबरिंग हमने स्टार्ट की है यहाँ पर नाइट्रोजन से, आप देख सकते हैं हमने सल्फर से नहीं की है, जबकि सल्फर की पोजीशन नाइट्रोजन से ऊपर है, लेकिन अगर हम सल्फर से करते तो ओवरऑल जो सेट है नंबर्स का वो हायर हो जाता, क्योंकि नाइट्रोजन जो बेंजीन रिंग में है उसकी जो लोकेंट है वो हायर होता है, इसलिए हमने नाइट्रोजन को नंबर वन दिया है, इससे जो ओवरऑल सेट ऑफ नंबर्स है वो लोएस्ट रहता है। तो टू ऑक्सा, थ्री थाया, वन फाइव डाई एजा इंडेन। इंडेन क्योंकि ये फाइव मेंबर रिंग जो है वो हाइड्रोजनेटेड स्टेट में है। अगर हेटरोसाइक्लिक सिस्टम में मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल डबल बॉन्ड्स हैं, तो कार्बोसाइक्लिक रिंग को वही नाम दिया जाता अगर उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होते तो। ये इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ये जो हमने एग्जांपल लिया है, इसमें हमने जो स्टेम है वो नेफ्थलीन लिया है, जबकि राइट साइड वाली रिंग में केवल एक डबल बॉन्ड है, लेकिन क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए इसको कम्प्लीटली फुली अनसेचुरेटेड रिंग नेफ्थलीन की तरह माना जाता है, और इसे नेफ्थलीन का डेरिवेटिव ही मानते हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा दूसरा डबल बॉन्ड यहाँ पर पॉसिबल नहीं था। तो हम इसे लिखेंगे 1,4 डाइथाया नेफ्थलीन, कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोसाइक्लिक रिंग विद मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल डबल बॉन्ड्स। अब इस सिस्टम में अगर एडिशनल हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जैसे हम नीचे वाले कंपाउंड का ले रहे हैं, तो उसी तरह से जैसे सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर में किया था, इटैलिक कैपिटल हाइड्रोजन से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे और उसकी पोजीशन पहले लिखेंगे, उसके बाद हम पूरे कंपाउंड का नाम लिखेंगे। जैसे हम इस लास्ट वाले कंपाउंड को देखते हैं, तो यहाँ पर H जो है वो C1 पर है, एक एडिशनल H। एडिशनल मतलब क्राइसिन अगर होता तो क्राइसिन फुली एरोमेटिक कंपाउंड है, उसमें सभी के सभी रिंग्स जो हैं उसमें डबल बॉन्ड जितने हो सकते हैं उतने हैं,
लेकिन यहाँ पर एक डबल बॉन्ड कम है, लास्ट वाली रिंग में, डी रिंग में C1 पर एक एडिशनल हाइड्रोजन है। तो हमने नंबरिंग वहाँ से शुरू की है, क्योंकि जहाँ एडिशनल हाइड्रोजन है उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर हम देते हैं। तो C1 पर क्योंकि एडिशनल हाइड्रोजन है तो हम इसका नाम देंगे 1H, 2 पर ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सा, और अगर हाइड्रोजन नहीं होती और ये कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड होता तो ये क्राइसिन था, तो हम इसको क्राइसिन के डेरिवेटिव के रूप में ले रहे हैं, 1 इटैलिक कैपिटल H, देन पूरे कंपाउंड का नाम 2-ऑक्सा-क्राइसिन। तो इस तरह से हम फ्यूज्ड हेट्रोसाइकल्स का नामकरण करते हैं। एक टाइप हेट्रोसाइकल्स का और रहा है, ब्रिज्ड हेट्रोसाइकल्स, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।